स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रंजन स्टडी सेंटर पर। आज हम सभी वीडियो अपडेट लेकर आए हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 के सभी स्टूडेंट के लिए। तो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, आज हम लोग लाइफ साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कल के एक वीडियो में मैंने फिजिकल साइंस के लेसन 1 का डिस्कस किया था, आज हम लोग लाइफ साइंस के डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को पता है कि 5 मार्क्स का एक डायग्राम जो है लाइफ साइंस में आता है, यानी जीव विज्ञान में। तो वही आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इस बार कौन से डायग्राम आने वाले हैं। नए जुड़े होंगे चैनल पर सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10, 11, 12 के सभी सब्जेक्ट के वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं और पहले से कई सारे वीडियो हैं जिसे आप लोग जाकर देख सकते हैं। और प्रतिदिन आप सभी को वीडियो जो है चैनल पर मिल जाएगी अभी से लेकर 2024 में होने वाले फाइनल एग्ज़ाम तक, चाहे वो 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो। तो आइए देखते हैं लाइफ साइंस का इम्पॉर्टेंट डायग्राम। तो देखिए यहाँ पर हम लोग दो डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे, और पहला जो डायग्राम है वो न्यूरॉन का है। न्यूरॉन का एक वैज्ञानिक चित्र बनाएं तथा निम्न भागों का नामांकन करें। जैसे कि यहाँ पे 4 नाम दिया हुआ है, न्यूरॉन बनाने के बाद चारों नाम को आपको दिखाना है। अगर आप लोग एग्ज़ाम में डायग्राम बनाने के बाद सभी नामों को दिखाएंगे तब आपको फुल मार्क्स 5 में 5 मिलेगा, नहीं तो आपको 2.5 मार्क्स और 3 मार्क्स के आसपास मिलेगा। इसीलिए सबसे पहले न्यूरॉन का डायग्राम आप लोग अपने अपने बुक में, अपने अपने सजेशंस में भी देख सकते हैं, नहीं तो ये जो मैं अभी आप लोगों के सामने शो कर रहा हूँ इसे आप लोग देख सकते हैं। तो जो न्यूरॉन का डायग्राम है इसे आप लोग अभी से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो फरवरी में बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है तब तक आप लोगों का प्रैक्टिस जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और यही डायग्राम 100% श्योर रखिए कि जो मैं 2 डायग्राम बता रहा हूँ उसी में से ज़रूर एक डायग्राम आपका आएगा। तो जैसा कि पहला डायग्राम न्यूरॉन है, न्यूरॉन के सभी भागों में कौन कौन से अंग कहाँ कहाँ पर हैं ये याद रखना आपको ज़रूरी है। डायग्राम आप लोग किसी भी तरह का बनाएंगे लेकिन नाम ज़रूर लिखिएगा। डायग्राम जिनका अच्छा होगा तो ठीक है, डायग्राम नहीं भी अगर अच्छा होगा लेकिन सभी नाम को सही जगह पर दिखा देते हैं फिर भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और डायग्राम आपने काफ़ी अच्छा बनाया है लेकिन सही नाम को नहीं दिखा पाए आप, तो कम से कम 3 नंबर ज़रूर मिलेगा, 5 में 5 आपको नहीं मिलेगा। बात करते हैं दूसरे डायग्राम का। तो एक यूकेरेटिक गुणसूत्र जिसे हम लोग क्रोमोजोम कहते हैं इंग्लिश में, तो क्रोमोजोम का डायग्राम प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर भी 4 नाम दिए हैं, क्रोमोटी, टोलोमियर, सेंट्रोमियर, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, इसके अलावा भी कई सारे नाम यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए गए हैं। तो क्रोमोजोम किस प्रकार से बनता है क्रोमोजोम का डायग्राम आप लोग देख लीजिएगा, आपके बुक में, आपके सजेशंस में ये डायग्राम मौजूद होंगे। तो इन सभी डायग्राम का प्रैक्टिस आप लोग काफ़ी अच्छे से कीजिए, उम्मीद है आप सभी इसे बोर्ड एग्ज़ाम तक आसानी से बनाना सीख जाएंगे और 5 नंबर लाइफ साइंस में आसानी से हासिल कर लेंगे। इसी तरह के ज़रूरी वीडियो आप लोगों को चैनल पर प्रतिदिन मिलेंगे, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कौन से सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए और लॉन्ग, शॉर्ट या किस प्रकार का वीडियो चाहिए वो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। क्लास 10th, 11th और 12th के स्टूडेंट, धन्यवाद।